This a deadline. I've been doing this shit for a long time. This ain't my first time, no. This rap game is my fucking lifeline. My lifeline, lifeline. Deadline's got us in a rush. I'm flushed, too tired, made a fuss, got fired. Is there anybody else I can trust? Fuck no. Must admire all the guns of a- Welcome back to my channel. I hope तुम सब सही हो. सो बहुत दिनों बाद तुम्हारा भाई वापस आ चुका है एक और रिएक्शन लेके, और ये उस आर्टिस्ट का रिएक्शन है जिससे मैंने अपनी ये रिएक्शन चैनल की सफर की शुरुआत की थी, यानी हाँ 47. तो 47 नाम सुन के तुम्हें पता लग गया होगा कौन से ट्रैक का मैं रिएक्ट कर रहा हूँ. यस ब्रो, यू आर राइट, इट्स सहवाग. तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन. और वो लाइन तो बार तो तुम्हें याद होगी ना, चाहे पिच भी हो कैसी सहवाग जैसा पहले लौंडा. तो भाई आ चुका है अपना ट्रैक लेके. तो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन के पीछे सीधे गाना स्टार्ट करेंगे. तो टू ऑल द 47 फैंस, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो स्टार्ट करते हैं बैंक. चौड़ा उसका फोन नहीं लगता, तेरा बाप अपने आगे कुछ बोल नहीं सकता, डोलती है फुल एटीट्यूड बाजी भाई, फुल एटीट्यूड बाजी, एकदम दूसरे तरीका का कुछ होने वाला है. चलो मजेदार कुछ होने वाला है, ऐसा फील आ रहा है. चलो जिसपे होता है चौड़ा उसका फोन नहीं लगता, तेरा बाप अपने आगे कुछ बोल नहीं सकता, डोलती है सत्ता जबर बॉल पे है छक्का, लड़के बॉर्डर पे अपना डोल नहीं करता. शर्ट पे है सलवटे पर रखते अपने जूते साफ, पैर पे तो चढ़ना नी ना सीधा पड़ती मुंह पे लात, पहले 5 मिनट तक ही करते आप वाइब करी मैच तो चलती खाली तू तड़ाक. हीरो फैक्ट फैक्ट फैक्ट, जब नए नए लोगों से जब बात करते तो पहले 5-10 मिनट ही वो चलता है, आप क्या कर रहे हैं, आप ये लेंगे. जैसे भाई वाइब मैच हो जाती है तो बकचोदी शुरू हो जाती है. अगर वाइब मैच नहीं हुई तो बात ही नहीं करना है ब्रो. मेरा भी सीन कुछ इस तरह ही है, अगर वाइब मैच हुई तो भाई बहुत सही, अगर नहीं हुई भाई तुम सामने से जितना भी कोशिश कर लो, मैं मतलब नहीं हो पाता है मेरे साथ. तो चलो आगे चेक करते हैं, और क्या लुक यहाँ पे दिया है भाई ने, सेक्सी. कम ऑन. तो बनते सारे आईने के आगे, फिर दिक्कतें बताते अपनी गाइने पे जाके आके, देख फोड़ वाला ट्रक ढाई टन का सांड है, पैसे हम पे बढ़िया लेकिन आदतें खराब है. फ्लेक्सिंग, फुल फ्लेक्सिंग बाजी भाई साहब, मजेदार. रखे पड़े बस साइड से कटाते खाते, 5 स्टार में पराठे चाय में डुबा के, देसी छोरा देसी टोरा हरियाणा हरी केन, पहली गुदी से की जब पेपर दिए नवी के, नंबर प्लेट HR सबसे ज्यादा राउडी स्टेट, एक रैपर में बना दे क्रेजी बॉल बाउडी गेंद, खाली रोड पे मैं डिपर वाली शाइन दे रहा, फ्लड लाइट वाली बीम हर कोई साइड दे रहा, एक मैच से तू करना नहीं जज, बेटे पेलने पे आया तो उधेड़ता है भाई तेरा, पिछले साल भी तो इतने सारे गाड़े झंडे, आने वाला हर सेकंड होगा टाइम मेरा, एक मैच से तू करना नहीं जज, बेटे पेले पे आया तो उधेड़ता है भाई तेरा. जैसे एक मैच पे जज नहीं करना, वैसे ही एक ट्रैक खराब हो ही सकता है तो उस पे जज नहीं करने का, बिकॉज जब तेरा भाई फुल फ्लो में आता है तो उधेड़ के रख देता है, जो भाई यहाँ पे कर रहा है. तो चलो आगे देखते हैं. देता 6 मार, 1-2 रन के लिए भागा नहीं, मारी खड़े खड़े सेंचुरी, मारी सेंचुरी खड़े खड़े सेंचुरी, मारी सेंचुरी जैसे सहवाग. देता 6 मार, 1-2 रन के लिए भागा नहीं, मारी खड़े खड़े सेंचुरी, मारी सेंचुरी कोई सा भी बॉलर उसकी खड़े खड़े बैठ लाख मार. कौन था भाई ये, बाली था क्या साइड में, मैंने ध्यान नहीं दिया, पानी पी रहा था मैं. हाँ भाई बाली भाई का फीचर है इस ट्रैक में, मतलब ये कुछ और होने वाला है. चलो फीचर है या फिर कुछ और है, यहाँ पर टाइटल में तो बाली भाई का नाम नहीं है, तो बस ऐसे ही शायद वीडियो में है, भाई का कोई वर्ड्स नहीं होने वाला शायद, चेक करते हैं. कोई सा भी बॉलर उसकी खड़े खड़े बैठ लात मारी, 2 कौड़ी की नौकरी, अपने मन में जो भी आई वो करी. हमारा भाई अभी भी फंसा हुआ है उसी नौकरी में, तो सोच रहा हूँ लात मार दू क्या वो नौकरी, फिर सोचता हूँ भाई who will pay my bills, तो इसलिए करनी पड़ रही है नौकरी. चलो मन में जो भी आई वो करी, साइन करी डील जब करोड़ की, उस बिजनेस मीटिंग में भी बैठा था मैं कुर्सी पे मार के चौकड़ी, यही है जो है अपना, यही है जो है, सारे बोले भाई जैसे भैया तुझे, जहाँ ऑनलाइन पीठ पीछे बड़े सारे हैवी वेट, सामने आते ही इनकी मैया पूछे, चले बॉटम्स अप खत्म. दैट लास्ट 2 बार्स वाज
लवली ब्रो, लास्ट टू बार वॉज लवली. पहले वो भाई भाई वाला ऊपर सामने आया तो जैसे भाई दूजे या व्हाट वाज दैट, क्या कीबोर्ड में गाली दे समथिंग एंड देन सम मैया पूजे. सो द लास्ट टू बर्ड्स वॉज लवली. और एक बार सुनते हो उसको क्लियरली हर एक वर्ड. भाई जैसे भैया तुझे जा ऑनलाइन पीठ पीछे बने सारे हेवी वेट, ऑनलाइन पीठ पीछे बने सारे हेवी वेट टू ऑल द कीबोर्ड वॉरियर्स. जो कीबोर्ड वॉरियर्स है, जो इंटरनेट गैंगस्टर्स है, उनके लिए कुमो. हमने आते ही इनकी मैया पूजे, चले बॉटम्स अप खत्म एक घूट में दवाई, फिर बिच लौंडे फटवा लेते सूट की सिलाई, तेरे गाल पे चपेंगे अपने बूट काफी साई, मिनट में बदल दूं तेरी खुद का डिजाइन. खाली रोड पे मैं डिपर वाली शाइन दे रहा, फ्लड लाइट वाली बीम हर कोई साइड दे रहा, एक मैच से तू कर नानी जज बेटे, पहले पे आया तो उधेड़ता है भाई तेरा, पिछले साल भी तो इतने सारे गाड़े झंडे, आने वाला हर सेकंड होगा टाइम मेरा, एक मैच से तू कर नानी जज बेटे, पहले पे आया तो उधेड़ता है भाई तेरा, जैसे सहवाग देता छह मार, एक दो रन के लिए भागा नहीं मारी, खड़े खड़े सेंचुरी मारी, सेंचुरी खड़े खड़े सेंचुरी मारी. जैसे वर्सेस है, मुझे मतलब पर्सनल ओपिनियन है मेरा, तुम अपने पे मत लेना, तुम्हें अच्छा लग सकता है. जैसे भाई के वर्ड्स थे उस हिसाब से मुझे जो हुक पार्ट है वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है, या फिर वर्ड्स के साथ वो शायद मैचअप नहीं कर रहे हो, ये मुझे पर्सनली लग रहा है. और मैं ये कोई पंडित या फिर हिप हॉप एक्सपर्ट के हिसाब से मैं बातें नहीं करता, एज अ लिसनर्स मैं बातें करता हूँ. म्यूजिक भले मुझे समझ में नहीं आता, पर सुनने में जो अच्छा लगता है मैं वही बोल देता हूँ भाई. और हुक पार्ट मुझे थोड़ा ऑर्डिनरी लग रहा है, जैसे भाई से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, उस हिसाब से मुझे थोड़ा ऑर्डिनरी लग रहा है, तो माफ करना भाई, सच्चाई था तो मैंने बोल दी ऑनेस्टली. अब तुम्हें अलग लग सकता है तो वो बड़ी बात नहीं है, तो आगे आप देखते हैं. सेंचुरी जैसे सहवाग देता छह मार, एक दो रन के लिए भागा नहीं मारी, खड़े खड़े सेंचुरी मारी, सेंचुरी कोई सा भी बॉलर उसकी खड़े खड़े बैठ. गाना यहीं पे खत्म. सो गाने सही थे, मतलब मुझे शायद मैं भाई को इतना पहले सुन चुका हूँ या फिर भाई के पहले के गाने इतने सुन चुका हूँ, तो मुझे ये ट्रैक मतलब वर्सेस बार्स बहुत सही थे, बार्स कुछ कुछ बार्स बहुत सेक्सी थे, पंचलाइंस बहुत हार्ड थे, पर मुझे जो हुक पार्ट था वो थोड़ा ऑर्डिनरी लगा, जो मैंने पहले भी बोल दिया, और उस हिसाब से गाना भी थोड़ा डाउन हो गया उसके चक्कर में. बट बीट मुझे बहुत सही लगी, कुछ कुछ जो चीजें थी वीडियो के अंदर जैसे दिखाई गई थी वो चीजें बहुत सही लगी. भाई का जो स्टाइल है बीच बीच में गालियों को घुमा के सही वर्ड में उसको बता देना कि तुम गंदा बोलो भी ना और ऑडियंस को पता भी चल जाए तुम बोल के रहो, तो वो सारी चीजें बहुत सेक्सी लगी. बट मुझे एज अ लिसनर, मुझे एज अ 40 फैन यही दिक्कत है कि मुझे हुक पार्ट थोड़ा ऑर्डिनरी लगा, खराब नहीं था ऑर्डिनरी लगा. सो चलो गुस्सा मत होना भाई, बिकॉज मैंने ऐसा बोला जो मुझे लगा, मैंने सच सच बोल दिया. तो जल्द मिलते हैं, जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. और तुम्हें पता है क्या करना है, अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना है. कैसे करना है, वो लाल वाली जो घंटी है उसे बजा देना, उसके साइड में सब्सक्राइब लिखी होगी उसे दबा देना. तो जल्द मिलते हैं, टाटा.